हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्रह्मन बीट्स। आज हम कुछ बी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज बी? बी इज बिजनेस एटिकेट्स, और इसके अंदर करीब 10 पॉइंट्स आते हैं। इन 10 पॉइंट को इंप्लीमेंट करने से आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ में आ सकता है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। सो फॉर एनी करियर इन योर लाइफ, द बेसिक फैक्टर व्हिच इज रिक्वायर्ड और द बेसिक क्वालिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड is strong communication skills and business etiquette. So the first point is planning. Without planning, no business can sustain. So you should make effective plan. Second point, effective planning के साथ साथ आपको decision making भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बड़ी सी बड़ी कंपनियां decision making के चक्कर में फंस कर रह जाती हैं, और बहुत ही छोटी companies उस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि उन कंपनीज में डिसीजन मेकिंग करना बहुत ज्यादा आसान होता है, तो वो उनकी ग्रोथ चार्ट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनदर फैक्टर इज क्रिएटिंग टर्बुलेंस और इंडस्ट्रियल पीस। द बेसिक थिंग इज दैट थ्रू योर कम्युनिकेशन, थ्रू योर एटीट्यूड, यू कैन आइदर क्रिएट टर्बुलेंस और इंडस्ट्रियल पीस बाय मेकिंग और ब्रेकिंग रिलेशंस। Another point of B, that means business etiquette, is that creating coordination and coherence. Coherence team में होना बहुत जरूरी है और coordination होना बहुत जरूरी है, because bad coordination and coherence leads to the downfall of any organization. Another point is helpful in building image of any business. You can only make an image or create an image of a business by fulfilling your commitments. Another point, it's also helpful in building the control. कि आपको control क्या करना है, कौन से department को control करना है, किस तरह से control करना है। अगर आपके system और processes अच्छे से develop हो रखे हैं, so आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। The next factor is leading to high morale and motivation. And as we all know that we can motivate or take the morale or high of any employee or any executive through strong communication and business etiquettes. Another point that is very important is that it is an unseen infrastructure which can lead your company to the greater heights. क्योंकि ये उसी तरीके से है कि एक बार आपने अपने बिजनेस में अपने क्लाइंट को कमिटमेंट कर दी, तो वेद और यू नो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएं उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, आई एम नॉट गोइंग टू नेम वन बाय वन। अनदर पॉइंट इज हेल्पफुल इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नाउ नो वन मैन कैन लीड टू वंडर्स। वी नीड अ टीम टू वर्क बिहाइंड अस टू अचीव सक्सेस। And for that, we need to delegate our authority so that they can fulfill what your expectations are. And the last point is that if it brings up the effective leadership in your organization. क्योंकि अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव लीडरशिप लानी है, तो बिजनेस एटिकेट्स होना बहुत जरूरी है, प्रोफेशनलिज्म होना बहुत जरूरी है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.